अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। मैं रेसिपी बना रही हूँ जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ली थी, इसे मैंने बॉईल कर लिया था। ये चिकन सूप है, उसका 1 टेबलस्पून चिली है, 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस है, 1 टेबलस्पून केचप है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची है, 1 टेबलस्पून हसबी ज़रूरत नमक है और 1 प्याज ली है मैंने। 2 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे एक जो हमने काटी हुई थी, और इसको हल्का सा सोटे करने के बाद जो चिकन बॉईल है फिर वो चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे, और ये यखनी जो चिकन का था एक प्याली वो डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्ची डाल देंगे, नमक डाल देंगे, बारबेक्यू सॉस डालेंगे हम इसके अंदर, और केचप डालेंगे इसके अंदर, और रेड चिल्ली डालेंगे इसके अंदर, वो भी 2 टेबलस्पून जितनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हल्के आंच में रख देंगे जिससे ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए एकदम पक गया है, और अब इसको हम ड्राई कर लेंगे। अभी हम इसका आटा गूंदेंगे जिसके लिए मैंने नमक लिया है, 2 कप आटा लिया है और पानी लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे गूंद के 2 घंटे के लिए। तो ये देखिए गूंद के अब मैं इसको रख दूंगी, थोड़ी देर बाद इसको खोलूंगी। तो ये देखिए 2 घंटे हो गए, एकदम ये सॉफ्ट और अच्छे से हो गया है। ये पनीर नहीं है, ये अरबी जुबना है जो मैंने लिया हुआ है, जिसके मैं समोसे बनाऊंगी और चिकन के मैं समोसे बनाऊंगी। जो हम अरबी समोसा बना रहे हैं तो इसके लिए मैं अच्छे से इसको बेल लूँगी और इसको गोल करके एक बना लूँगी रोटी की तरह, और फिर जो मैंने ये लिया हुआ है तो इसके अंदर डाल के और फिर चिकन डाल के इसको बंद कर दूंगी मैं। एक मैं आप लोगों को जुबना वाला हाथ से भी बना के बताऊंगी, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उससे भी बना सकते हो हाथ से भी इसको। तो ये देखिए ये सारे मैंने बना लिए थे, अब मैं एक हाथ से बना रही हूँ जिसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़का था, और ये मैं बना रही हूँ रोटी को बेल के। अच्छे से जब रोटी बेल लूँगी फिर उसके ऊपर मैंने ये जुबना डाला हुआ है। चुबना डाल के साइड से बंद करने के बाद इस तरीके से दबाऊंगी, और फिर साइड से छुरी से जो एक्स्ट्रा है उसे गोल करके मैं काट लूँगी। आप चाहे तो कोई भी शेप इसके अंदर दे सकते हैं, मैं फिंगर की मदद से भी इसको बंद करके फिर इसके तरीके से मैं अच्छे से इसको बंद कर लूँगी आगे पीछे से। ये देखिए अच्छे से हो गया है। तेल हल्की आँच में ही रहने दीजिएगा, ज़्यादा तेज़ होगा तो रोटी फिर अंदर तक नहीं गलेगी। तो ये देखिए अच्छे से अभी ये एकदम फ्राई होंगे हमारे ये सारे। और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा लाइट कलर आया हुआ है। अब मैं दूसरी तरफ घुमा रही हूँ कि दूसरी तरफ ये हो जाए। ये सारे फ्राई हो चुके हैं तो अब मैं इसको सारे निकाल लूँगी। देखिए कितने मज़े के, और देखिए कितने मज़े के हो गए हैं और क्रिस्पी हो गए हैं। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।